बिहान लगे दे उता कता जता पुराण लाग्छ त्यता दे उता जल्ले पुराण लागेको ठाउँमा दान गर्छ त्यो दे उता देवता त्यो हुन्छ अनि जल्ले कमाएको सम्पत्ति मात्रै राख्छ नि त्यो के हुन्छ रे थाहा छ राख्छ हामीलाई सोध्छ नि है कमाएको कहाँ राख्छस् कति राख्छस् केमा राख्छस् कहाँ कहाँ राख्छस् हाम्रा साथीभाइले हामीलाई प्रत्येकचोटि राक्षस भनिरहेका छन् हामी बुझ्दैनौँ अनि हामी हाँसिदिन्छौँ कहाँ कमाएको छु र भन्ने अब राक्षस बन्ने कि देवता बन्ने त्यो जिम्मा तपाईँको हो अब हामी त्यहाँबाट आयौँ टाढा टाढाबाट आयौँ होइन हेर्नु टोली यो हामीले हाम्रो लागि होइन भन्दैछ यही ठाउँमा भोलि अगर कसैले सोध्छ तपाईँलाई घर कता भन्दाखेरि धनापट्टि धनेश्वर मन्दिरको छेउमा भन्दाखेरि नि यो मन्दिरको नाम यहाँ मात्रै होइन आज पूर्वाञ्चलमा यो दोस्रो हुँदैछ धनेश्वर धाम यो धनेश्वर मन्दिर मात्रै बनाएर हामी बस्नु छैन यो मन्दिरलाई हामीले धाम बनाउनु छ जसलाई भन्छ धनेश्वर धाम त्यो धाम बनाउनको लागि अब कम्मर कस्नुपर्छ हजुरहरूले एउटा झापामा छ एउटा यहाँ बनाउनु छ धनेश्वर धाम यति सुन्दर यति राम्रो मन्दिर बनाउनु भएको छ तपाईँले हजुरहरूले दिएको दान नै सबैभन्दा उत्कृष्ट हो चाहे एक रुपियाँ दिनु चाहे दुई रुपियाँ दिनु चाहे पाँच रुपियाँ दिनु चाहे दस रुपियाँ दिनु सम्मान फरक पर्छ थोडा सम्मान अलग अलग भइजाएको होइन कोही सोच्थे होङ्गे हम थोडा दान गरेंगे सम्मान मिलेगा या नहीं नाम वाचन सबकी होगी अगर कोई 500 रुपये देते हैं कोई 1000 देते हैं तो उसी प्रकार की सम्मान है प्रक्रिया उसी प्रकार की आप जितना ज्यादा दान देंगे आपको उतना ही ज्यादा सम्मान और आपका भगवान का भी आशीर्वाद उतना ही मिलेगा तो फिर कम देने वाले सोचेंगे तो फिर हमको नहीं मिलेगा मिलेगा जरूर क्योंकि आपके पास था ही उतना तो आपने उतना ही दिया ना जितना था आपके पास आपने उतना ही दिया तो भगवान आपको भी पूर्ण आशीर्वाद देंगे हाँ एक बात सोच लेना अगर होते हुए भी हम नहीं देते ना तो भगवान कह देंगे बेटा रख ले तू अभी छुपा के बाद में ले लूंगा मुझसे पंगा ले रहा मुझसे झूठ बोल रहा अच्छा एक आदमी एक दिन पंडित जी से जाकर कहने लगे पंडित जी मुझे सत्यनारायण भगवान की कथा करनी पंडित जी ने सामान का लिस्ट बना के दे दिया ले लो भाई सामान ले आओ वो था लोभी लालची था जब इतनी लंबी लिस्ट देखी तो कहने लग गया महाराज ये बता दो बिना पैसे की कथा नहीं होती पंडित जी बोले अरे कैसा सा जमाना आ गया ये तो कितना खर्चा करना चाहता है तू बोल तो जजमान कहने लग गया पंडित जी एक रुपया का सिक्का अगर उतने में कथा हो तो बोल दो कथा करवा लूंगा अगर नहीं तो छोड़ दो तो पंडित जी बोले ठीक है मुझे नहीं चाहिए कुछ भी तू एक काम कर ले ये एक रुपया का सिक्का जो है ना मंदिर में जाकर दान पत्र में डाल ले भगवान के मंदिर के अंदर जो दान पात्र है उसमें डाल के आना ठीक है बोला हाँ ठीक है मारो तो चला गया जिस दिन वो मंदिर में गया उस दिन बहुत बड़ी लंबी सी लाइन लगी हुई थी गर्मी का मौसम हाथ में एक रुपया का सिक्का रखा मुट्ठी बंद कर ली मंदिर के अंदर जैसे ही पहुंचा चढ़ाने के लिए हाथ खोलता मुट्ठी तो सारा पसीने से पैसा भीग गया और वो रोने लग गया कहता अरे बेटा मत रो मत रो मुझसे दूर जाने की पीड़ा तुझमें हो रही क्या चल छोड़ पंडित जी कहते तू इतनी देर से रो रहा है तो मुझे तुझे छोड़ना नहीं बोलकर जेब में डालकर चला गया हाथ सारा पसीने से भीग गया लेकिन वो सोच रहा था क्या कि पैसा जो है मुझसे दूर जाने की वजह रो रहा है डालूंगा नहीं
तो पंडित जी को झूठ मीठ में बोल कहा मैंने 1 रुपया चढ़ा लिया। तो बोला ठीक है, शाम को पंडित जी के पास चलेंगे और कहेंगे कि हाँ पंडित जी 1 रुपया सिक्का डाल के आया मैंने दान पात्र। तो अच्छा तो सुन लो, जिसके पास ध्यान देना, ये कथा उन लोगों के लिए है जिनके पास भगवान को देने के लिए कुछ भी नहीं मन है, मन होते हुए भी दे नहीं पाते ना जो लोग, उन लोगों के लिए है। जो लोग सुबह शाम खाने के लिए तरसते हैं भगवान को दुआ करते हैं प्रभु कुछ दे दो खाने के लिए, भगवान से कहते हैं सुबह तो खा लिया शाम के लिए कुछ व्यवस्था कर दो। जो गरीब हो वो भी भगवान का पूजन कर सकते हैं मन ही मन। तो गुरु जी कहने लगे बेटा एक काम कर, तू होते हुए भी नहीं दे रहा मुझे मालूम है, तू लोभी है लालची है भगवान को देने के लिए, तेरे शरीर कांप जाते। वैसे कई लोग होते हैं भगवान को देने में बहुत शर्माते हैं, भगवान को चढ़वा लो मंदिर में, कई जगह जाते हैं ना देवी के मंदिर में, हम देखते हैं भगवान को चढ़ाने वाला आईना कितना बड़ा, कितना सा छोटा सा आईना, और देवी माँ कहती अरे बेटा ये आईना कैसा ले आया तूने, काजल लगवाने की काम भी नहीं आती, कंघी उतनी सी होती है इतने से चोटी कैसे बनवा लेती है माँ, रबड़ उसी तरह की होती है जो एक बार खींच जाए ना तो दोबारा जुड़ने की बात ही नहीं रहती है, देवी को चढ़ाया हुआ लबड़ रबड़ की काम ही वैसे। लोग भगवान को देने के लिए मालूम नहीं क्यों पीछे हट जाते हैं और कहते भगवान 2 रुपए की अगरबत्ती डालकर कहते मुझे मोटरसाइकिल दिलवा दो, अरे पहले तो भगवान के नाम में जमा करवा दो 1.5 लाख रुपए तभी दिलवा देंगे ना, हो 5 रुपया का अगरबत्ती लेके कहते मोटरसाइकिल दिलवा दो, जमीन दिलवा दो, मकान दिलवा दो। और गुरु जी कह रहे ठीक है बेटा एक काम कर ले, तू सुबह उठ लेना बिस्तर पे बैठ जा, काम करने की कोई जरूरत नहीं। बोला नहाने धोने की ना, ठंड में मर जाएगा वैसे भी, मत ना आइए बैठ जा, रजाई ओढ़ के बैठ जाना और मन ही मन भगवान की पूजा कर लो। जो बड़े बुजुर्ग हैं जो कर नहीं पाते जो चल नहीं पाते उनके लिए फिर सभी लोग मत सोचना, हाँ पंडित जी ने कह दिया आज से हम भी वही मानसिक पूजा करेंगे ये मत सोचना, जो आ सकते हैं वो आ जाएंगे पूजा करेंगे और जो नहीं कर सकते उनके लिए है। भगवान को याद करने की हिम्मत नहीं होती, बुढ़ापा आ गया शरीर में, घुटनों में दर्द, रीढ़ की हड्डियों में दर्द, राम राम मुंह से नहीं हो पाता, दांत झड़ने की बजाय राम राम की जगह यम 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 राम नहीं यम यम। सुबह बैठ जाएंगे वो लोग रीढ़ की हड्डी सीधी कर लेंगे और उसके बाद मन ही मन जप कर लो, गंगा जी जा रहे हैं गंगा जी में स्नान करके कमंडलू में गंगा जल लेकर आ गए, भगवान को स्नान करवाया और दूध दही घी शहद और शक्कर डाल के पंचामृत बनवाई, उसी पंचामृत से भगवान को स्नान कर रहा हूं और सुंदर सा वस्त्र, अरे मन ही मन है सोच लो 1.5 लाख 2 लाख रुपए की कपड़े से भगवान को पहुंच दिया, जाएगा तो 1 रुपया नहीं है, मन में सोचने से कौन से बैंक से पैसे कट जा रहे हैं। और भगवान को 1 सोने की सिंहासन पे बिठा दो, भाव ऐसे कर लो मन में कि ताकि भगवान खुद आकर बैठे। हर किसी के अंदर 2 मन होते हैं, एक चिंतन और एक अचिंतन। अचेतन मन जो है वो हमें माँ की गर्भ तक ले जाता है, वहां तक हम पहुंच जाते हैं। भगवान को स्नान करवाने के बाद चंदन अक्षता पुष्प धूप दीप नैवेद्य सभी चीज से भोग लगवा लो,
और आरती कर लो। आरती करने के बाद पुष्प अर्पण कर भगवान को, और पुष्प अर्पण करने के बाद साष्टांग दंडवत प्रणाम कर लो और भगवान को कह दो प्रभु अब मैं उठ रहा हूँ, और उसके बाद ही वहां से उठ जाओ। तो गुरु जी ने कह दिया इस प्रकार भगवान की पूजा कर लो, तुम तो एक रुपया खर्च करना नहीं चाहते, होते हुए भी नहीं देते हो तो। बोला ठीक है गुरु जी। पहले दिन हो गया, पहला दिन जो था 5 मिनट में पूजा खत्म, दूसरा दिन चालू 10 मिनट लग गए, तीसरे दिन में 20 मिनट लग गए, चौथे पांचवे छठे सातवें दिन जब वो पूजा में बैठ गया, पंचामृत बनवा रहा था, दूध में दही डाल दी, घी डाल दी और शहद डाल दी, जब शक्कर डाल रहा था ना उसी में 2 चम्मच ज्यादा पड़ गया मन ही मन, और मन ही मन सोचने लग गया थोड़ा सा शक्कर निकाल लेता हूँ कल के लिए बचा लेता हूँ। तो भगवान उसी से प्रकट हो गए, अरे बोले बेटा ये तेरा मन से जा रहा है, घर के डब्बे से थोड़ी ना डाल रहा तू, इतनी कंजूस मत बन कि मन ही मन शक्कर डाल रहा पंचामृत में और उससे भी तो निकल रहा है, इतनी कंजूस मत कर, दी सकता है तो ज्यादा दे दे, नहीं सकता तो मत दे, लेकिन भाव जागृत करवा। तो महाराज परीक्षित, आइए हम कथा में प्रवेश करते हैं। तो महाराज परीक्षित ने जब